ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए जिस तरीके से अवतार लिए थे नरसिंह भगवान, वो बताता है कि भक्त के हर सुख और दुख में ईश्वर आते हैं, ईश्वर उसके साक्षी बनते हैं। जब भी जीवन में कोई मुसीबत हो, दिक्कत हो, ईश्वर को सच्चे हृदय से याद कीजिए, प्रभु जरूर आते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 4th अवतार भगवान नरसिंह को माना जाता है, जिन्होंने अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को मारने के लिए पृथ्वी पर इस रूप में अवतार लिए थे। मान्यता है कि वैशाख शुक्ल के कृष्ण पक्षी चतुर्दशी को नरसिंह भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हुए थे। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती हर साल वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है, यानी 25 मई को यह तिथि है। नरसिंह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के 4th अवतार थे। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में है और धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्रों में से एक है। सप्तबद्री में से एक होने के कारण इस मंदिर को नरसिंह बद्री या नरसिम्हा बद्री भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि सर्दियों के दौरान संत श्री बद्रीनाथ इस मंदिर में रहते थे। इस मंदिर में स्थापित भगवान नरसिंह की मूर्ति दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही है। मूर्ति की बाईं कलाई पतली है और हर दिन पतली होती जा रही है। मान्यताओं के अनुसार जिस दिन कलाई बिल्कुल कम होकर प्रतिमा से अलग हो जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता सदा के लिए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाएगा। इस दिन प्रदोष व्यापी व्रत करना चाहिए, जिसे हर वर्ण के लोग कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखकर दोपहर के समय वैदिक मंत्रों द्वारा स्नान करें, इसके बाद भगवान नरसिंह का स्मरण करें, पूजा स्थान पर गोबर से लिखें, फिर एक कलश में तांबा और रत्न इत्यादि डालकर उस पर अष्टदल कमल बनाएं, नरसिंह भगवान की मूर्ति को पंचामृत स्नान कराकर उस पर स्थापित करें, विधिपूर्वक उसका पूजन करें, फिर अपनी क्षमता के अनुसार जो दान आप दे सकते हैं वो दान दें। कई जगह भगवान नरसिंह की कथा या प्रह्लाद और नरसिंह के चरित्र का लीला मंचन भी कलाकार करते हैं, लेकिन आप अभी कोरोना काल चल रहा है, घर में पूजन करें और विधि विधान से पूजन करें, हृदय से पूजन करें। भगवान नरसिंह आपकी सदैव रक्षा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। खबर भी, सरोकार भी, हर कदम, हर डगर, हर मोर्चे पर तैयार भी, पक्ष हो या विपक्ष, बात वही जो है सच, सही और दमदार भी। गांव, कस्बा, शहर, नगर, रुक न पाए कोई खबर, असर भी, असरदार भी, खबर भी, सरोकार भी। लल्लूराम.com, सच कहेंगे लल्लूराम।